ब्यावरा क्षेत्र में आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही, अवैध शराब बड़ी मात्रा में की गई बरामद। देख रही UVN08 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी महोदय राजगढ़ श्री नीरज कुमार सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी राजगढ़ श्री केदार सिंह मेकाले के मार्गदर्शन में राजगढ़ जिले में COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु किए गए लॉकडाउन में ड्राई डे के अवसर पर अवैध रूप से मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय, संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सहायक जिला आबकारी अधिकारी मदन सिंह पवार के नेतृत्व में आज दिनांक 14 मई 2021 को ब्यावरा वृत्त क्षेत्र में भोर में वृत्त प्रभारी संदीप कुमार लोहानी के द्वारा सुठालिया स्थित कंजर के अड्डे, ब्यावरा में पंचमुखी मंदिर कंजर डेरे, न्यू हॉस्पिटल रोड कंजर डेरे, गुरुद्वारे के पीछे कंजर डेरे में संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी। दबिश में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के कुल 9 आपराधिक प्रकरणों में कुल लगभग 210 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं जमीन में बनी हुई सीमेंट की बड़ी बड़ी टंकियों में तथा ड्रम एवं टंकियों में हाथ भट्टी मदिरा बनाने के लिए गुड़ लाहन लगभग 27 किलो 800 लीटर जब्त हुआ, जिसका मौके पर ही सैंपल लेकर शेष लाहन को नष्ट किया गया। अवैध रूप से मदिरा निर्माण हेतु तैयार बड़ी बड़ी भट्टियां भी मौके पर नष्ट की गई। कार्यवाही के दौरान जब्त अवैध शराब व लाहन की सामग्री कुल अनुमानित कीमत 21,27,000 है। उपरोक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक मनोज दुबे, ममता गौर, अंकित चौहान, आबकारी मुख्य आरक्षक मोहन यादव, आबकारी आरक्षक गौरी शंकर विजयवर्गी तथा उपस्थित 9 नगर सैनिकों का सक्रिय एवं सराहनीय सहयोग रहा। देखते रहिए UVN08, घर रहिए सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार जुड़ा है, इसलिए घर रहिए सुरक्षित रहिए। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए UVN08।